हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका करियर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा टॉपिक है हिंदी। हिंदी में हम लोग आज पढ़ेंगे देवनागरी लिपि का विकास, जो हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हम लोग चल रहे हैं। तो आज उसमें हमारा टॉपिक है देवनागरी लिपि का विकास। तो देखते हैं देवनागरी लिपि जो हमारी हिंदी की लिपि है वो कैसी है। देवनागरी लिपि है ये सभी जानते हैं, तो उसका विकास कैसे हुआ इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और इसका नाम देवनागरी क्यों पड़ा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखते हैं देवनागरी लिपि का विकास। पहले हम समझते हैं लिपि क्या होता है। तो लिपि का विकास समझने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि लिपि होता क्या है। तो लिपि के बारे में अगर जानते हैं तो लिपि क्या कहता है, लिखित ध्वनि संकेतों को लिपि कहते हैं। जो लिखित ध्वनि संकेत होते हैं उनको क्या बोला जाता है, लिपि कहा जाता है। किसी भाषा को जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है उन ध्वनि संकेतों को उस भाषा की लिपि कहा जाता है। ध्वनि संकेत, जैसे मैं बोल रहा हूँ और लिखा जाता है उसको, तो वो क्या होंगे, ध्वनि संकेतों के माध्यम से लिखा जाता है उनको क्या बोला जाता है, लिपि कहा जाता है। अब लिपि का विकास देखते हैं आगे। देखो, प्राचीन भारतीय शिलालेखों एवं सिक्कों में दो लिपियां मिलती हैं। जो प्राचीन भारतीय शिलालेख थे और जो सिक्के थे उनमें दो प्रकार की लिपियाँ मिली हैं, एक आपकी ब्राह्मी लिपि और दूसरा आपका खरोष्ठी लिपि। तो याद रखना क्वेश्चन, जो पुराने शिलालेख थे और जो पुराने सिक्के थे उनमें कितने प्रकार की लिपियाँ मिली हैं, दो प्रकार की लिपि मिली है, एक आपकी ब्राह्मी दूसरा आपका खरोष्ठी लिपि। तो जो माना जाता है जो देवनागरी लिपि है उसका विकास कहाँ से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बन गया, देवनागरी भाषा का विकास किससे हुआ, आपका ब्राह्मी लिपि से हुआ है। अब देखो देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है, ये तो हम समझ गए। आगे, देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के नरेश जयभट्ट के एक शिलालेख में मिलता है। क्वेश्चन अगर बनता है कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पाया गया, तो ये मिला गुजरात के कोई नरेश थे जयभट्ट, उनके शिलालेखों में मिला है। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला, ब्राह्मी लिपि पहले गुप्त लिपि थी। जब ब्राह्मी लिपि बनी पहले क्या थी, जब ब्राह्मी लिपि आई, ब्राह्मी लिपि के बाद क्या बनी है, गुप्त लिपि बनी, फिर कुटिल लिपि बनी और अंततः 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के रूप में विकसित हुई। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते जा रहे हैं। सबसे पहले क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी, उसके बाद क्या बनी ये, गुप्त लिपि बनी, गुप्त के बाद कुटिल लिपि बनी और अंततः कब बनी, 10वीं शताब्दी। ये डेट याद रखना, 10वीं शताब्दी में देवनागरी लिपि के रूप में विस्तृत हुई। ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि आई है, लेकिन उसके भी क्रम थे, पहले वो गुप्त लिपि बनी, फिर कुटिल लिपि बनी और 10वीं शताब्दी में वो देवनागरी लिपि के नाम से प्रसिद्ध हुई। ब्राह्मी लिपि के नामकरण के मत, अब ब्राह्मी लिपि के भी नामकरण के बहुत सारे मत हैं। तो कुछ लोग क्या मानते हैं, इसे गुजरात के नागर ब्राह्मणों की लिपि माना जाता है। ये माना जाता था कि जो गुजरात के नागर ब्राह्मण हैं वो इस लिपि का प्रयोग करते थे और नागर ब्राह्मणों के रूप में इसको देवनागरी नागरी लिपि बोला गया। यहाँ पे एक नोट बनता है इम्पोर्टेंट, ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा को नागरी कहा जाता था। जो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा थी, जो उत्तर में शाखा थी, उसको क्या बोला जाता था, नागरी कहा जाता था, जो बाद में देवभाषा संस्कृत से जुड़ गई। पहले क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी, ब्राह्मी लिपि क्या हुआ, जो ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा थी वो कहाँ गई, जो आपकी देवभाषा थी, जो संस्कृत थी, जो जननी भाषा की, वो संस्कृत से जुड़ गई और अंततः नागरी का देवनागरी हो गया। संस्कृत को देवभाषा माना जाता था, पुराणों में साहित्यों में संस्कृत का यूज होता था। जब क्या हुआ, ब्राह्मी लिपि संस्कृत भाषा से मिली तो ब्राह्मी लिपि नागरी में आई और जो देवभाषा थी तब उसका नाम क्या हुआ, देवनागरी लिपि पड़ा। तो आप ये चीज़ याद रखना कि क्या हुआ, ब्राह्मी लिपि उत्तरी शाखा में नागरी कहा जाता था ब्राह्मी लिपि को, जब वो देवभाषा संस्कृत से मिली तब उसका नाम क्या हो गया, देवनागरी। और देवभाषा कौन सी, अगर क्वेश्चन पुट होता है तो आप आंसर क्या करोगे, देवभाषा कौन सी आपकी, संस्कृत है। नेक्स्ट यहाँ चलता है, यह लिपि भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में प्रचलित है। जो आपकी देवनागरी लिपि है वो क्या है, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रों में, यानी बहुत सारी भाषाओं में, बहुत सारी बोलियों में देवनागरी का यूज होता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात आदि प्रांतों में उपलब्ध शिलालेखों, ताम्रपत्रों, हस्तलिखित प्राचीन ग्रंथों में देवनागरी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग
हुआ है। जो यूपी में थे, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात आदि जो प्रांत थे उनमें उनके शिलालेखों, ताम्रपत्रों और हस्तलिखित ग्रंथों में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग हुआ है? देवनागरी लिपि का सर्वाधिक प्रयोग हुआ है। तो इन जगहों पे देवनागरी लिपि का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया गया था प्राचीन काल से ही। तो यहाँ पे हमने देखा देवनागरी भाषा जो लिपि थी उसका विकास कैसे हुआ, कहाँ से देवनागरी लिपि आई, ब्राह्मी लिपि से, और कैसे उसका नाम नागरी से देवनागरी हुआ। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये है बहुत छोटी डेफिनेशन, लेकिन क्या है इसमें बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं। तो बच्चों हमारा अगला टॉपिक है, यहाँ पे दिया आपका देवनागरी लिपि की विशेषता कमियाँ। अब देखो हर चीज़ में कुछ ना कुछ विशेषताएँ होती हैं, कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। जो हमारी देवनागरी लिपि है उसमें भी बहुत सारी विशेषताएँ हैं और कुछ ना कुछ उसमें खामियाँ भी हैं, तो उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं हम लोग इसके गुणों के बारे में, इसमें क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या गुण हैं। देवनागरी लिपि ध्वन्यात्मक है। अब ध्वन्यात्मक का मतलब क्या होता है कि जैसा बोला जाए वैसा लिखा जाए और जैसा लिखा जाए वैसा बोला जाए, इसको क्या बोलते हैं ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक का सिंबल मतलब जैसा मैं बोलूं वैसा आप लिखो, जैसा आप लिखो वैसा मैं बोलूं, तो इसको क्या बोला जाता है ध्वन्यात्मक। दूसरा, देवनागरी में वर्णों का संयोजन बहुत ही व्यवस्थित सुसंगठित व क्रमबद्ध ढंग से किया गया है। जो देवनागरी है उसमें वर्ण जो है उनको बहुत ही अच्छी तरह से व्यवस्थित किया गया है। तीसरा पॉइंट, देवनागरी में प्रत्येक लिपि चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है। इसके द्वारा उच्चारित ध्वनियों को व्यक्त करना अत्यंत सरल है। जो देवनागरी में प्रत्येक लिपि चिन्ह का एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है, जो भी उसमें लिपि चिन्ह है उनका क्या है, एक निश्चित ध्वन्यात्मक मूल्य है जिसको बोलना या उसको समझना बहुत ही आसान हो जाता है। नेक्स्ट, स्वरों व व्यंजनों की क्रमबद्ध व्यवस्था है। जो स्वर हैं स्वरों को अलग से क्रमबद्ध किया गया है, व्यंजनों को अलग से क्रमबद्ध किया है ताकि कोई भी कन्फ्यूजन ना रहे, तो ये बहुत अच्छी बात है। अगला है पांचवा पॉइंट, देवनागरी लिपि में 52 से अधिक लिपि चिन्ह हैं। जो हमारे देवनागरी लिपि है जो हम हिंदी में लिपि चिन्ह लगाते हैं तो वो क्या है, 52 से अधिक लिपि चिन्ह हैं, और हर लिपि चिन्ह का अपना एक ध्वन्यात्मक मूल्य है, ये हमने ऊपर पढ़ लिया। अगला, देवनागरी की वर्णमाला सर्वाधिक व्यवस्थित वर्णमाला है। जो देवनागरी की वर्णमाला है वो क्या है, सबसे अधिक व्यवस्थित सुव्यवस्थित वर्णमाला में जानी जाती है। जैसे कंठ से उच्चारित वर्णों को एक वर्ग क वर्ग में रखा गया है। जो कंठ से निकलते हैं क है ना, ख, जो ये जो कंठ हमारे गले, कंठ मतलब गले से जो ध्वनियाँ ली, जैसे क ख, उनको क्या किया गया है, एक वर्ग क वर्ग में रखा गया है। जो भी कंठ गले से निकलती है क ख ग घ, ये सब क्या हमारी कंठ से निकलने वाले वर्ण है, तो उनको क्या किया गया है, एक क वर्ग में रखा गया है। बहुत अच्छी बात है ताकि समझने में और सुनने में ये क्या लगती है, सुव्यवस्थित लगती है। देवनागरी लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। जब हम लिखते हैं कहाँ से लिखते हैं, लेफ्ट से राइट को लिखते हैं, बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है देवनागरी लिपि। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि देवनागरी लिपि कहाँ से कहाँ लिखी जाती है, पहले तो समझ ही नहीं आता देवनागरी के है, अब हम पढ़ने तो अब हमें पता चल गया कि देवनागरी के है और वो कैसे लिखी जाती है, लेफ्ट से राइट यानी कि बाईं से दाईं ओर। नेक्स्ट, इसमें जो ध्वनियों का नाम है वही वर्ण का नाम है। इसमें जो ध्वनि निकलती है वही वर्ण है, समझ पाया, जैसे क निकल रहा क, वही क्या आपका जो ध्वनि आ रही है वही आपका वर्ण भी है। अब ये तो हो गई इसकी क्या खूबियाँ हो गई यानी कि गुण हो गए, अब कुछ ना कुछ इसमें दोष भी होंगे, जरूर होंगे, हर चीज़ में होते हैं, हर इंसान में होते हैं, हर लिखावट में होता है दोष, तो इसमें भी होंगे। देखो, सर्वाधिक विवादास्पद मात्रा ई की है। कैसे है, यह वर्ण से पहले लिखी जाती है वह उच्चारण बाद में होती है। देखो ई क्या होता है, वर्ण से पहले लिखा जाता है बोल रहा हो, उच्चारण बाद में होता है। एग्जांपल भी दिया जैसे की, अब यहाँ समझना आप, ये की, की क में क्या लगा है, छोटी की मात्रा,
अब ये बोलता है कि यह वर्ण से पहले लिखी जाती है, हाँ मात्रा पहले लगाई जा रही वर्ण से, वर्ण को हो गया और मात्रा पहले लगाई जा रही है, ठीक हो गया, लेकिन उच्चारण बाद में होता है। की लास्ट में कह रहे हैं की, ई क्या आ रहा है बाद में हम लोग उच्चारण कर रहे हैं। तो ये क्या बोलता है, दोष क्या है, ई की मात्रा लगाई तो पहले जाती है और लेकिन उच्चारण क्या होता है, बाद में होता है, ये इसका एक विवादास्पद मात्रा है ई की। दूसरा पॉइंट, रौ विभिन्न रूपों में लिखा जाता है जो कि एक भारी दोष है। अब कैसे दोष है भारी, जो रौ है विभिन्न रूपों में लिखा जाता है, ठीक हो गया, हम समझ गए इसको, जैसे रौ, रौ से राम बन गया, रौ के ऊपर हमने अर्क लगा दिया तो क्या हो गया र, और अगर हमने प्र लिखना है तो हम ऐसे लगाते हैं डंडा, जैसे प्रकाश, प्रकाश रौ आरव चरण, और जैसे टॉ के नीचे जाता है ट्र, तो रौ क्या होता है विभिन्न रूपों में लिखा जाता है जो एक भारी दोष है, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें ख का लेखन त्रुटिपूर्ण है। अब इसमें ख का लेखन त्रुटिपूर्ण है, जैसे रवाना को खाना पड़ा जाता है। अब मैंने लिख दिया यहाँ पे रवाना, रवाना लिख दिया, मैं चला गया, कोई आया उसने देखा ये लिखा है खाना, दिख रहा है ना, अगर आप लोग भी देख रहे होंगे तो क्या दिख रहा है, मैंने तो लिखा रवाना, मैं यहाँ से चला गया, अब यहाँ पे बताने वाला कोई नहीं है, तो कोई भी आएगा, मैं भी आऊँगा सपोज, अगर किसी ने लिखा होगा तो मैं क्या पढ़ूंगा इसको, खाना। तो ये बोलता है कि रौ क्या है, एक विभिन्न रूपों में लिखा जाता है जो कि एक भारी दोष है, ये हो गया। इसमें ख का लेखन त्रुटिपूर्ण है, ख देखो, अब ये रौ वा ना है लेकिन हमें क्या दिखने में आ रहा है, खाना, ये रवाना को खाना पड़ा जाता है, ये भी एक क्या बोल रहा है, दोष है। नेक्स्ट, सिरोरेखा के कारण भौ मौ लगता है और ध ख लगता है। अब ये देखो, जैसे मैंने लिखा भौ, सिरोरेखा मतलब मैंने लाइन डाल दी, ये क्या लग गया, मौ बन गया, तो भौ लिखेंगे तो ऐसे हम लाइन डालते हैं, अगर किसी ने क्या किया भौ लिखा और पूरी लाइन दे दी, ये क्या लगेगा, मौ लगेगा। तो ये बोलता है कि भौ मौ लगता है और ध ख लगता है, जब हम सिरोरेखा मतलब जब हम पंक्ति डालते हैं या ऊपर से लाइन डालते हैं। तो ये थे बच्चों इसके कुछ गुण और कुछ बहुत इसके दोष जो देवनागरी लिपि का है। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट भी है क्या क्या इसमें दोष है और क्या क्या इसमें गुण है। अगला हमारा टॉपिक यहाँ पे आता है, देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएं और बोलियाँ, जो देवनागरी लिपि में भाषाएं और बोलियाँ बोली जाती हैं उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। संस्कृत देवनागरी लिपि, पाली, हिंदी, मराठी, कोंकणी, सिंधी, कश्मीरी, हरियाणवी, डोगरी, खस, नेपाली, गढ़वाली, मगही, भोजपुरी, नागपुरी, मैथिली, संताली, राजस्थानी, बघेली आदि भाषाएं व बोलियां देवनागरी में लिखी जाती हैं। तो इतनी सारी जो बोलियां और भाषाएं हैं वो क्या होती है, देवनागरी में, देवनागरी लिपि में लिखी व बोली जाती है। तो बच्चों हमारा एक और टॉपिक ख़त्म हो गया जिसमें हमने देवनागरी भाषा का विकास पढ़ा, कैसे वो विकास हुआ, कैसे ब्राह्मी से वो उसकी उत्पत्ति हुई, और तो हमने उसका आगे विकास क्रम पढ़ा, उसके कुछ गुण पढ़े, उसके दोष पढ़े, और यहाँ पे हमने देखा कि किस किन 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 भाषाओं में देवनागरी और किन किन बोलियों में देवनागरी लिपि का उपयोग किया जाता है बोलने और लिखने में। तो ये आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।